उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में आने वाले पाठम के मुख्य बाजार में स्थित एक दुकान और उसके ऊपर बने मकान में मंगलवार देर शाम आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि आग ने दुकान के ऊपर बने मकान में एक ही परिवार के 9 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से 3 बच्चे समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने अस्पताल में उन लोगों को भर्ती कराया है। बता दें कि जसराना क्षेत्र में स्थित यह दुकान इलेक्ट्रॉनिक के सामान और फर्नीचर की थी। तिवारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। आग पर काबू पाने के लिए आगरा, मैनपुरी, एटा और फिरोजाबाद से अग्निशमन की 18 गाड़ियों को लाया गया, लेकिन इसके अतिरिक्त 12 थानों की पुलिस भी बचाव कार्य में लगी थी। उन्होंने बताया कि करीब 2.5 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। इससे जो है पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह के अनुसार आग लगने की घटना शाम करीब 7:30 बजे की है और आग से जो है दुकान के ऊपर बने दुकानदारों के घर भी इस आग की चपेट में आ गए। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। बचाव अभियान अब भी जारी है और देखा जा रहा है कि मकान में कोई और तो नहीं फंस गया। और पूरी घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति जो है संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए। हमारा थाना पड़ता है, उसमें पालम कस्बा है, जिसमें जो घर है इसमें शॉर्ट सर्किट से प्रथम दृष्टया जो है वो आग लगने की बात बताई जा रही है इन्वर्टर बैटरी में, और उसकी वजह से आग लग गई, जिसमें एक परिवार के जो 9 लोग थे उसमें से 3 लोग जो है बचे हैं और 6 लोग जो है वो उसमें 2-3 एडल्ट और 3 बच्चे जो है उनकी प्रथम दृष्टया भी मौत बताई जा रही है।